अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 9th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का 6th न्यूमेरिकल। 6th न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट ये है, ऑन क्लोजिंग द जॉज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट टू इट्स मेन स्केल सच दैट फोर्थ डिवीजन ऑफ इट्स वर्नियर स्केल कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन। फाइंड इट्स जीरो एरर एंड जीरो करेक्शन। फिलहाल यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन कोइंसाइड्स कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ, फोर्थ डिवीजन दिया हुआ है ये। चलिए न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये वर्नियर स्केल का फोर्थ डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो यही लिख दिया है, वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल इज इक्वल टू फोर डिव। फिर उसके बाद वर्नियर स्केल रीडिंग फाइंड करते हैं, ये जो फोर्थ डिवीजन दिया हुआ है इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। 4 × 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया तो 0.04 सेंटीमीटर आ गया है। उसके बाद ज़ीरो एरर, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव 0.04, ये प्लस कर देते हैं जो मेन स्केल रीडिंग होती है। यहाँ पर फिलहाल न्यूमेरिकल में मेन स्केल रीडिंग नहीं दी हुई है, मेन स्केल की जो रीडिंग होती है उसमें ये जो आंसर निकाला है वर्नियर स्केल रीडिंग निकाला हुआ है उसको प्लस कर देते हैं तो ज़ीरो एरर फाइंड हो जाता है। उसके बाद ज़ीरो करेक्शन, ये फाइंड किया जाता है कि जो ज़ीरो एरर का आंसर होता है, ज़ीरो एरर का जो भी आंसर निकलता है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो एरर फाइंड होता है मेन स्केल रीडिंग में, इसको 0.04 जो आंसर निकला वो होता है वर्नियर स्केल रीडिंग का, ये इसको प्लस कर देते हैं तो ज़ीरो एरर फाइंड हो जाता है। और करेक्शन किया जाता है इसका, जो ज़ीरो एरर का आंसर होता है उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी आपका निकला। फिलहाल फोर डिवीजन के साथ इसे 0.04 है, जितना डिवीजन आता है उसी के अकॉर्डिंग फिर आंसर होता है ये। थैंक यू स्टूडेंट।